अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने प्रैक्टिकल में सिस्को पैकेट ट्रेसर के देखना है कि हम IPv4 और IPv6 एड्रेसेस जो हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर वो कैसे असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना सिस्को ओपन करते हैं। मैंने सेम टोपोलॉजी ली हुई है जो लास्ट हमने यूज़ की थी अपने प्रैक्टिकल के लिए। अब इसमें ये डिवाइस जो है उसको IP एड्रेस मैंने ये अलॉट कर दिया 10.1.1, ये IPv4 एड्रेस है जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब यहाँ पर उसका डिफॉल्ट गेटवे भी जो है वो भी मैंने दे दिया, ठीक है, ये 1 के साथ और ये 2 के साथ मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये 2 वाला जो है ये राउटर का है। मैंने सिर्फ ये कि मिक्स ना हो, इस वजह से मैंने IP एड्रेसेस जो हैं हर एक डिवाइस के साथ उसके लिख दिए हैं कि इस रूट में जो है वो ये वाला डिवाइस IP एड्रेस यूज हो रहा है। अब IPv6 एड्रेस देना था तो इस PC को मैंने 4 दे दिया और इस PC को मैंने 6 दे दिया। 6 वाला एड्रेस जो है हमने देखा, क्योंकि 6 जो है उससे 8 ऑक्टेट्स होते हैं, उस एड्रेस को लिखने के लिए जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हमने उसमें कॉलन यूज़ करना होता है, ठीक है। हम उस पर वो यूज़ नहीं करते, डॉट नहीं, डेसिमल यूज़ नहीं करते, कॉलन यूज़ करते हैं। और हमारे ये डबल कॉलन जो है वो ये डिनोट करता है, यानी मतलब ये 4 ऑक्टेट्स तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे हर IP की रेंज होती है, इसी तरह IPv6 की भी रेंज है। तो हमने ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट उसका स्पेसिफाई कर दिया 2001 तक, ठीक, और उसके बाद हमने बाकी ऑक्टेट्स जो हैं उनको 1-1 से एक डिफरेंस करके हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने गेटवे दे दिया उसका, ये 1 के साथ और ये 2 के साथ। ये 2 वाला गेटवे जो है वो इस राउटर का है और 1 वाला इस डिवाइस का है, ठीक। अब हमारा जो है ये राउटर, इसकी कनेक्टिविटी जो हमने करनी थी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये वाला जो डिवाइस है ये आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ये किसे पोर्ट के नीचे लिखा हुआ है Fast Ethernet 0। इसका मतलब है ये Ethernet 0 के साथ कनेक्ट है राउटर के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ कॉन्फ़िग पे जाएंगे, Fast Ethernet 0 मैंने पहले से ऑन किया हुआ था। मैं यहाँ ऑफ करके दोबारा से आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। आपने इसको यहाँ ऑन करना है, CLI कमांड पे जाना है और आपने IP एड्रेस जो है राउटर वाला, ये जो मैंने लिखा हुआ है राउटर के साथ 10.1.1.2, ये आपने इसको असाइन कर देना है 255.0.0.0, ठीक। वो शट डाउन एंड एग्जिट, ये इसका कोड हमने कर दिया, ठीक। अब देखें यहाँ पर जो है ये इसका कनेक्शन इसके साथ पूरा हो गया। अब इसी तरह से हम इसका भी करेंगे। ये जो था यहाँ पर इसके स्टेट में देखिए वायर कौन से कनेक्ट है, ये Fast Ethernet 0.1 के साथ कनेक्ट था। अब हमने Fast Ethernet 0.1 वाला जो है वो कनेक्ट करना है यहाँ पर, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने CLI पे जाएं और इसको आपने IPv6 एड्रेस असाइन करना है। IPv6 एड्रेस 2001:1:1:1:1 और ये 2 के साथ और 64 bit। शट डाउन एंड एग्जिट, ठीक है। अब ये वाला पोर्ट जो है ये भी इसके साथ फुली असाइन हो गया। अब मैंने ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट कर लिया, IPv4 भी असाइन कर दिया, 6 भी असाइन कर दिया। अब देखें कि इसने इस वाली डिवाइस ने अगर इस राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है या इस वाले डिवाइस ने इस वाले राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमारे पास ये जो मिडवे इंटरमीडिएट नोड्स हैं राउटर जो हैं, इनका IPv4 भी एड्रेस होना चाहिए इनके और IPv6 भी, ताकि जो रूट में पैकेट आए वो डिटरमिन कर सके कि वो IPv4 का पैकेट है या IPv6 का। अगर तो इस राउटर के ऊपर IPv4 का पैकेट आया है तो वो ये वाले IP एड्रेसेस को यूज़ करते हुए इस राउटर तक डाटा पहुंचा देगा। अगर इसके पास IPv6 का पैकेट आया है, उसका एड्रेस कोड जो था वो ये था, यानी 8 of 8 वाला, तो वो ये वाला एड्रेस यूज़ करते हुए, यानी ये जो मैं पॉइंटर है मेरा, ये वाला एड्रेस यूज करते हुए इस तक अपना डाटा जो है वो सेंड करेगा,
फिर वो IPv4 एड्रेस यूज नहीं करेगा, इसीलिए हमने राउटर को दोनों एड्रेसेस एक टाइम में असाइन करते हैं, 4 वाला भी और 6 वाला भी। अब हमने इसको सीरियल केबल के साथ कनेक्ट कराया था, सीरियल 10 केबल थी, ठीक है। उस पे जाते हैं, आईपी एड्रेस लिखते हैं, मैंने आईपी एड्रेस उसका रखा हुआ है 20.2.2.1.255.0.0.0, ठीक। और इसको साथ ही आपने IPv6 एड्रेस भी असाइन कर देना है, 2001.2.2.1, नो शट डाउन एंड एक्सेप्ट। अब इस राउटर को हमारे IPv4 और IPv6 दोनों एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं, ठीक। सिमिलरली इस राउटर पर जाएं, कॉन्फिग, तो यहां से ऑन करें सीरियल केबल को, CLI कमांड। अब मैंने ये जो एड्रेसेस लिखे हुए थे वो मैंने इस पे लिख देने हैं, IP address 20.2.2.2 और इसका subnet mask IPv6 address, ये हमने इसको IPv6 address भी assign कर दिया, नो शट डाउन से लिंक जो है वो अप हो जाएगा एंड देन एग्जिट। अब हमारे दोनों राउटर्स जो हैं वो आपस पे IPv4 और IPv6 दोनों एनेबल है, यानी इन दोनों के ऊपर ये दोनों एड्रेसेस एक टाइम के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी डिवाइस अगर हम अटैच कर दें इस राउटर के साथ, चाहे वो IPv4 बेस्ड हो चाहे वो IPv6 बेस्ड हो, तो डाटा जो है वो स्मूथली यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है हाउ टू टेस्ट कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की कनेक्टिविटी किस तरीके से हमने टेस्ट करनी है कि आपका नेटवर्क जो है वो रिलायबली कनेक्ट है भी या नहीं, तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो है पिंग। पिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ ए होस्ट ऑन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क IP नेटवर्क के ऊपर जिसमें IP एड्रेसेस यूज हुए हैं उसके अंदर हमने होस्ट की रीचेबिलिटी को चेक करना है कि होस्ट जो है यानी डाटा लेकर जिस डेस्टिनेशन तक उसको भेजा गया था वहां तक पहुंच गया है या नहीं। इट इज अवेलेबल फॉर वर्चुअली फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट हैव नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें नेटवर्किंग की आप कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं जो नेटवर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आपने पिंग कमांड के जरिए उसको टेस्ट करना होता है। अब हम टेस्ट करते हैं अपना नेटवर्क PC के ऊपर, मैंने क्लिक किया और मैंने ये कमांड फॉर्म जो है इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर मैं लिखूंगी पिंग, ठीक है। और मैंने ये वाला जो एड्रेस है इस राउटर का मैंने देखना है कि इसमें आपका डाटा जो है वो सेंड हो रहा है या नहीं, 10.1.1.2 एंटर, ठीक है। अब हमने ये वाला जो है रियल टाइम सिमुलेशन इसमें देखनी है ऑटो कैप्चर एंड रिप्ले के साथ, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, अब आपका डाटा जो है इन दो के दरमियान जो पैकेट जो है वो टेस्ट होंगे और साथ साथ यहाँ पर इसी तरीके से आपका रिजल्ट शो होता जाएगा, ठीक है। ये डाटा फ्लो हो रहा है, हमने ये ऑटो कैप्चर एंड प्ले के साथ इसको फ्लो कराया। अब इसमें हमने जो देखना है यहाँ पर आपका डाटा सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखिए ये टिक जो है वो ये डिनोट करता है कि आपका डाटा जो है इस पोर्ट से इसके दरमियान सेंड हो रहा है। यहाँ पर ये टाइम उसका जो पैकेट ने लिया है, ठीक है, उसकी लास्ट डिवाइस जहाँ से वो हुआ था
और एड डिवाइस यहाँ तक हो गया मतलब होस्ट और उसकी डेस्टिनेशन, उसी डाटा की जो पैकेट की टाइप थी वो क्या थी, और इन्फो जो है मतलब ये इन्फो सिर्फ ये कलर पैकेट्स को डिनोट कर रहा है कि कौन कौन से पैकेट आ रहे हैं और उनका क्या स्टेटस है, तो ये सारी जो है वो कनेक्टिविटी चेक हो रही है। अगर तो ये टिक है मतलब इन पैकेट्स के ऊपर जैसे टिक आ रहा था तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क जो है वो कनेक्ट है। और यहाँ पर ये देखें ये परफॉर्म हो रही है साथ साथ पिंग टेस्ट, ठीक है, और ये अब आपको रिप्लाई कर देगा। इसने 32 बिट्स का बाइट्स का डाटा लिया है, टाइम उसने लिया है 2 मिलीसेकंड्स, और टाइम टू लिव मतलब 255 उसका है। पैकेट टोटल 4 सेंड किए थे, रिसीव भी 4 हुआ है, कोई भी पैकेट जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ। मैक्सिमम जो टाइम है राउंड ट्रिप टाइम वो 2 मिलीसेकंड है, और मिनिमम जो है वो भी 2 मिलीसेकंड है, और एवरेज भी 2 मिलीसेकंड है। इसी तरीके से हम जो है अपना IPv6 का डाटा जो है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। पिंग 2001 इस पे हमने 64 वाला जो है वो नहीं वेंचर करना था। ये हमने जो है इस राउटर का आईपी एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ से जो है वो डाटा इस पीसी से इस राउटर तक सेंड हो रहा है, ठीक है। अभी ये टेस्टिंग स्टार्ट हुई है इसकी, अब देखते हैं कि ये कनेक्शन है या नहीं है। अब ये टाइम जो लेता है कि आपकी जिसके ऊपर आप अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हो उसकी सीपीयू के ऊपर या प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए मेरा जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, मतलब जो टाइम अलॉट किया हुआ था उसके अंदर मेरा डाटा सेंड नहीं हो सका, इसीलिए उसने मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट की एरर दे दी है, ठीक है। ये वाला जो था पैकेट वो विद इन टाइम हो चुका था, और ये वाला जो था ये विद इन टाइम नहीं हुआ था, इस वजह से उसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया और मेरे जितने पैकेट्स हैं वो सारे के सारे लॉस्ट होंगे, यानी जितने भी सेंड हुए हैं वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाएंगे, कोई भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ये क्रॉस जो था आपने अभी देखा होगा राउटर के ऊपर वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ से देखिए PC1 से राउटर 0 के ऊपर जो है आपका ये पैकेट ICM जो है 6 वाला वो जा रहा है और एनेबल कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और ये देखें ये पैकेट सेंड हमने 4 किए थे, कोई भी रिसीव नहीं हुआ, लॉस्ट हो गए 4 के 4, 100% लॉस हुआ है इसमें, और ये जो है आपका टाइम आउट होने की वजह से हुआ। इसका मतलब है कि आपकी इस कनेक्टिविटी के अंदर इशू है। इसी तरह से अगर हम पिंग करें 20.2.2.1 मतलब मैंने अब ये वाला फेज जो था इससे मैं आगे जा रही हूँ इस वाले फेज के अंदर, ठीक है। मैंने इस पीसी को इसके साथ कनेक्ट करा दिया, ठीक है, यहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी हो गई। अब मैंने इस राउटर के आगे जाना है तो मैंने इस राउटर का ये वाला एड्रेस जो है वो असाइन करना, यानी एक जो आपका नेटवर्क था उसमें एक साइड ये थी और दूसरी साइड राउटर वाली थी। अब मैंने राउटर की तरफ जाना है तो देखें इसमें जो डाटा सेंड हो रहा है साथ साथ उसका स्टेटस बताया जा रहा है, ये डाटा आपका ओके है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी ठीक है, डाटा आगे सेंड हो रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टेकिंग, और ये आपका जो है प्रोसेसर के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा अब इसमें भी आपका 32 बिट्स का डाटा जो है 32 बाइट्स का सॉरी वो डाटा सेंड हो रहा है, और ये मैंने इसको इसमें चेक किया है तो इसमें देखें आपके जितने पैकेट थे जितने आपने भेजे थे वो सारे के सारे सेंड हो गए हैं और आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ। टाइम अगेन इसने 2 मिलीसेकंड दिया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।